لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلاة سورة كريكا موضوع عصمت उसका हर दिन अभी तक दो दो दिन बयान हुआ है। पहला दिन जो बयान हुआ उर्वे के पालक की जानिब से जो देवता होते हैं नबूवत और रिसालत और इमामत, तो इसमत इन अहदों की अदा करने से पैदा होती है या ये अहदे इसमत की बिना पर अदा होते हैं, तो नतीजा उसका ये हुआ कि नहीं, ये तस्वीर गलत है कि इसमत उहदों की बिना पर है, बल्कि सही तस्वीर यही है कि उहदे इसमत की बिना पर है। उसके बाद दो दिन इसका बयान हुआ कि इसमत के माने गुनाह न होने के हैं या गुनाह न हो सकने के हैं। तो नतीजा वह इसका ही निकला कि वो तस्वीर के सिर्फ गुनाह न होने के माने हैं गलत है। और लाजमन दूसरा पहलू साबित हुआ कि इसके मानी गुनाह न हो सकने के हैं। तो अब यह सवाल पैदा हुआ कि गुनाह न हो सकने के ये मानी है कि अख्तियार गुनाह पर नहीं है, क्योंकि गुनाह न हो सकना कोई कारनामा नहीं है। तो नतीजा ये निकला कि नहीं, गुनाह न हो सकने के माने ये नहीं है कि इख्तियार गुनाह पर नहीं है, बल्कि बावजूद इख्तियार गुनाह नहीं हो सकता। अब वो क्यों कर उसकी तफसील तो जाहिर है उन्हीं हजरात ने सुनी जो उन मजालिस में शरीक थे। बहरहाल उसका खुलासा ये उसके लिए नजीर अल्लाह के अदालत की पेश की गई कि अल्लाह से जुल्म नहीं हो सकता, अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा काम जो बुरा हो गलत हो वो नहीं हो सकता, अल्लाह के यहाँ पहले अबद नहीं हो सकता। मगर इस न हो सकने के माने ये नहीं है कि उसकी कुदरत खल हो गई। अगर ये सब न हो सकने से कुदरत तलब नहीं हो होती तो मासूमी से गुनाह न हो सकने से प्यार तलब नहीं होता। जैसे वहां अदम इंसान बावजूद कुदरत है, वैसे यहां अदम इंसान बावजूद प्यार है।
अब ये दो दिन के बयान का हो गया खुलासा। उसके बाद दो दिन इसका बयान हो चुका है कि प्रेरकों की इसमत में और हमारे मासूमियों की इसमत में फर्क क्या है। वो भी मासूम है, ये भी मासूम है, उनका भी मासूम होना इरादे अख्तियार के साथ है, इनका भी मासूम होना इरादे अख्तियार के साथ है। इस मतों में फर्क क्या है, तो उसका भी बस नतीजा अर्थ कर दूं, वो कल तक के बयान का खुलासा हो जाएगा के उनके यहाँ बेहतर इरादे के साथ एक मत है, मगर उस इरादे से टकराने वाली कोई ताकतें नहीं है। लेकिन हमारे मासूमीन की इस मत जो है, इनके यहाँ वो सब ताकतें मौजूद हैं जो तहरीके गुनाह करते हैं, जो इस मत के रास्ते से हटाती हैं, मगर उन सब से मुकाबला करते हुए फिर भी ये मासूम है, इसलिए इनकी हिस्मत इसमत मलाइका से बालातर है। हमारे अकीदत में कि
की दुनिया में एक ऐसा तप्पा है घर में नी चटबंदी के वो मनुष्य को असल करार देता है कि नबूवत यकीनी है, रिसालत यकीनी है, इमामत यकीनी है, मगर फिर भी रसूल है और बटर है इसकी भी समझ में नहीं आता। इमाम है और बटर है, इंसान है ये इसकी भी समझ में नहीं आता। लिहाजा ये कहता है कि ये बशरियत पर फकत जाना है, इंसान ये जाहिर में है लेकिन वाकई इंसान तो नहीं है, हकीकत में बेटर तो नहीं है, हकीकत में तो कुछ और है लेकिन मसलहतन वजूरते बचा रहे हैं। तो चश्मा दोनों का एक है, वो कुफर वाला तसव्वुर और ये देर साये ईमान का तसव्वुर। चश्मा दोनों का एक है, आज ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। बशर होगा तो रसूल या इमाम नहीं होगा, और अगर रसूल या इमाम है तो फिर बशर नहीं होगा। ये के बशर भी हो और फिर रसूल और इमाम भी हो, न उन मुश्रिकीन की समझ में आया न इन मोमिनीन की समझ में आता। इसलिए वो बशरियत को मानकर रिसालत का इनकार करते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बतकाजा ईमान रिसालत और इमामत को मानकर बशरियत का इनकार करते हैं। अगर बशरियत का बिल्कुल इनकार न सही तो बशरियत के बाद इसमें ये कुछ और भी है, यानी खाली बशर जो हो वो नहीं हो सकता। नबी और रसूल बशरियत के आगे कुछ और भी हैं, ये उसकी वजह से ये नबी और रसूल हैं। और दूसरे लफ्जों में कह मलक बसूरत बशर है, हकीकत में बशर नहीं है। मैं कहता हूं जरा मुलाहजा कीजिए कुरान मजीद की आयतों को कि मुशरिकीन कहते ये थे कि ये बशर है, आखिर फिर रसूल क्यों कर हो सकता है। कुरान के लिए बहुत आसान था कि वो अपने रसूल की जबान से ये कहलवाते कि भाई ये नजर का धोखा है जो हमें बशर देख रहे हो। वाकई हम बशर नहीं है तो मसलहतन बशर बने हुए हैं, तो फिर गोया उनका इतराज बासानी रद्द हो जाता, उनके हल से फिर हिफाजत का उतरना आसान हो जाता। मगर कुरान की जैसे मुहिम यह है कि हमें उस रसूल को नहीं मनवाना है जो बशर न हो, हमें तो उसी रसूल को मनवाना है जो बशर हो। और वो जो हमारा तसव्वुर के मलक बसूरत बशर इसे कुरान ने बतौर मकरूजा पेश किया है कि ले जाएगा हो मलकन ले जाएगा हो रजुला। अरे अगर हम मलक भी भेजते तो उसे भी बसूरत बशर भेजते, क्या नहीं है
यानी ये तो सचमुच बचन है, यानी मकसद रिसालत हमारा बगैर सूरत बेचनी के पूरा नहीं हो सकता था, लिहाजा ये तो वाकई बचन है। अगर मलक को भी भेजा होता तो बसूरत बचन भेजते, यानी ये नहीं है कि हमने जाहरी बचन बना के भेजा हो, बल्कि दर हकीकत ये तो बचन है। और इसीलिए जा बजा पैगंबर की जवानी ऐलान ये कराया कि मैं बचन हूँ, खुद मुखातब होकर कहा कि आपसे पहले भी हमने हमेशा बचन भेजे हैं। वो ये कहते थे कि ये कैसा रसूल है कि जो खाना खाता है, इससे आगे हमने जो भी रसूल भेजा हुआ ऐसे ही था कि वो खाना भी खाता था और बाजारों में चलता फिरता भी था। तो अगर ये मुनाफी रिसालत हो तो इसी रसूल के खिलाफ ये क्या बात है, ये तो आदम से लेके इस वक्त तक जितने रसूल आए सब ऐसे ही आए कि वो इन सब जरूरियतों के जरूरत के पाबंद थे जो इंसान के साथ वाबस्ता है। और हकीकत में रिसालत की तारीफ ये है, यानी इल्मे कलाम की किताबों में देखती है कि रिसालत की तारीफ यहाँ है, रसूल कौन होता है, तो उसके मानी यह है नबी के जो जो उसमें दिन में दाखिल है उसकी तारीफ इल्मे कलाम की किताबों में ही है, यही है कि इंसान नबी हो, वो इंसान जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है जायते खल्क के लिए, इसके मानी ये है कि हमें जिब्रील की रिसालत पर ईमान ही लाना है, उन सबको तो मानना है इस रसूल के मानने के तकाजे से, इस साबित से चलने की बदौलत हम मलाइका को मान रहे हैं, वरना अगर ये न बचाते तो हमें कोई जरूरत अकली नहीं थी मलाइका को मानने की, वो तो ईमान बिलगैब के तहत में जो मिनून अब इमान बिलगैब के तहत में कि जो आपको नाजिल हुआ है उसे माने, उसकी वजह से भी वो इनको मानना है, उसकी वजह से मीका इनको मानना है, उसकी वजह से समाज फेरस्तों को मानना है, वरना हमें उनके मानने की कोई जरूरत नहीं नहीं। तो हकीकत में मुसलमान जो हम होते हैं वो फिरस्तों की रिसालत को मानने से नहीं होते, इंसानों की रिसालत को मानने से होते। अब ये कुरान ने आखिर इसको मुहिम क्यों बना लिया, अगर वो समझ ये कह दिया जाता कि नहीं वाकई है ये बशर नहीं है तो वो बेचारे मान लेते और क्या बात है, ये उनसे यही क्यों मनवाना था कि नहीं बशर मानो और फिर रसूल समझो, कह दिया जाता नहीं है तो सूरतन बशर है वाकैन बशर तो नहीं है, उनको ये समझाया जाता बेचारे समझ लेते, फिर अबू जहल अबू जहल न रहता। तो आलोक ने आखिर ये मुश्किल पसंदी से क्यों काम लिया कि ऐसी बात उन्हें मनवाओ जिसके मानने के लिए उनका दिल तैयार नहीं है, जिसके मानने के लिए उनका जहन तैयार नहीं है। नहीं मालूम होता है कि आलोक का मकसद वाबस्ता था इनको बेटर मानने से, अगर ये मान लिया जाता वो रसूल ये समझ के मानते कि ये कुछ और है बेटर नहीं है, तो इसके मानी ये है कि बस मानने का फल जायद होता पैरवी का फल जायद न होता। याद रखिए कि ये सब के वो कुछ और थे ये पैरवी के बंधनों से आजाद होने से डराए हैं, और खुदा को फकत कलमा को मानना मंजूर नहीं था, उनके नक्शे कदम पर चलाना मंजूर था। जब तुम्हें पैगाम यह है कि उसके नक्शे कदम पर चलो, तो अगर उसको भूख न लगे
आपको रखोगे, कहोगे कि ये आपको क्या मालूम के रोजे में आदमी पर क्या गुजरती है, भूख तो आपको लगती ही नहीं। वो रोजे का हुक्म देता हाथ धोते साथ कहीं जालों में कहिए रख ले, मगर वही जून की गर्मी में, और वो भी किसी पहाड़ पर नहीं किराची के अंदर, और गर्मी में हमसे रोजा आप रखवाते हैं, ये आपको ऐसे है कि आपको प्यास लगती ही नहीं। आपको क्या मालूम कि गर्मी में आदमी पर क्या गुजर जाती है अगर पानी न पिए तो उस जगह हिफाजत खत्म न होती, और रसूलों की बेहतर का मकसद है हुज्जत का नाम करना। लिहाजा जरूरत थी कि वो ऐसे हों कि उन्हें भूख भी लगती हो, वो ऐसे हों कि उन्हें प्यास भी लगती हो, वो ऐसे हों कि तमाम जरूरतें जो तुम्हें होती हैं वो सब जरूरतें उनको हों, और फिर उसके बाद वो मिसाले अमल पेश करें। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि आपको इन जरूरतों की कदर नहीं है, आपको इन जरूरतों की दुश्वारी का एहसास नहीं है। अब पैरवी में हम दूसर नहीं कर सकते, और इसीलिए हजरत ईसा पूरी दौर के लिए रसूल हो जाएं, मगर कयामत तक की रहनुमाई के लिए काफी नहीं थे। खातिम लंबिया नहीं बन सकते थे हजरत ईसा, क्यों? इसलिए कि उन्होंने जिंदगी गुजारी इस तरह के न बीवी हैं न बच्चे हैं, तो जब बीवी बच्चे नहीं हैं तो ऐसा रसूल दावत के इत्तिबा नहीं दे सकता। हमारे रसूल के लिए कुदरत का इंतजाम यह था कि दावा रिसालत बात को करें, शादी पहले कर लें, यानी खुदा गैर शादी शुदा को खातिमुल अंबिया बनाने पर तैयार नहीं था। सोना दे दिए अगर ये इनकी जिंदगी वैसी होती है तो तेईसा की थी कि न बीवी न बच्चे, और फिर ये हमें इबादत और रियाजत और सत्यनाश और इज्जत की तालीम देते तो हम ये कहते अब माशा अल्लाह की राशि का ये मजमा उर्दू जबान के नजर के बेतबल नहीं है कि जरा से पक्ष माल के बदलने से लफ्ज बदल जाती है, तो एक ही लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा दो तरह, मगर दो तरह से कि अगर रसूल की जिंदगी ऐसी होती कि न बीवी है न बच्चे, तो फिर हम कह सकते थे कि हुजूर आपको क्या मालूम कि जब बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, और जब बीवी बदिब होकर कुछ कह दे तो शौहर पर क्या गुजरती है, आप क्या दे दें। तो जबान रसूल इस मान और इज्जत में खामोश हो जाती, इज्जत पूरी न होती तो मकसद इलाही की तकमील न होती, इसलिए कि खालिक ने बेशक रुसुल का मकसद करार दिया है इस्माइल उज्जत रुसुल मुबशिरीन व मुनज़िरीन अल्लाह यकून लिन्नास अला अल्लाह हुज्जतुन बाद रुसुल, कहते बारे की आयते हमने पैगंबर भेजे बशारत इंजार देने वाले ताकि खल्क़े खुदा के साथ सामने पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई उज्जत न हो, इसीलिए उसके रहनुमाओं को हुज्जतुल्लाह कहा जाता है
कि इनके जरिए से अल्लाह की दलील कायम होती है, अल्लाह के मुकाबले में खल्क़े खुदा की हुज्जत नाकाम होती है। तो इसीलिए भेजा जाता है, अगर इनकी जिंदगी ऐसी होती कि इनको ये जरूरतें न होती तो फिर खल्क़े खुदा पर हुज्जत तमाम न होती। कहते सरकार आप तो फिर रखते हैं, हम तो आदमी है, हम चौकर आकर नक्शे कदम पर चल सकते हैं। तो अगर शादी ब्याह न करते तो ये हम कहते कि हम आपकी तरह आपके बराबर क्या बिल्कुल भी इबादत नहीं कर सकते, इसलिए कि इबादत के लिए खड़े हुए और बच्चा रोने लगा। अब इबादत करें या बच्चे को भेजना है, इबादत के लिए खड़े हुए और बीवी ने कोई फरमाइश कर दी और गुस्से के साथ कर दी तो हम बताइए बीवी को खुश रखें या खुदा को खुश रखें? आपको क्या मालूम बीवी क्या चीज होती? तो ये हुज्जत का नाम करती, यह कह दिया यानी ऐलान रिसालत 40 वर्ष की उम्र में और शादी 25 वर्ष की उम्र में। मुत्तफ़िका तारीखी बात के अजबत की उम्र करीब 25 वर्ष थी जब पहली शादी हुई और 40 वर्ष की उम्र थी जब हजरत दोनों जो भी तालक हुए। तो अब जाहिर है कि 15 वर्ष में औलाद भी हुई। अरे वो अब रही नहीं है, और बात रही बस एक बेटी, लेकिन 15 वर्ष में बस वक्त वो एक बेटी थोड़ी मुतवल्लिद हुई, कई फर्जंद बेटे मुतवल्लिद हुए। तय्यिब पाहिर कासिम जिनके नाम पर कुनियत हुई अबुल कासिम, बाद रिवायत में है कि एक का नाम उसने अपने वालिद बुजुर्गवार अब्दुल्ला के नाम पर रखा था अब्दुल्ला। तो कई पसंद हुए, अब वो दो बरस तीन तीन बरस के थे कि वो दुनिया से उठा लिए गए आदत की तरह से, वो भी इसलिए कि ये नमूना खल्क के लिए सब्र का भी बन सके। और अगर औलाद होती ना तो सब्र की मिसाल औलाद के बनने के ऊपर कायम कर सकते थे। और इसके बाद अभी ये बतकाजाए जलालत कदर जनाब खदीजा के दौर में तो कोई शादी नहीं की, और बखुदा ये जलालत कदर का तकाजा आलम जहूर में फकत एक माँ में आया एक बेटी में। बस जनाब खदीजा की जिंदगी में रसूल ने कोई अब नहीं फरमाया, जनाब फातिमा ज़हरा की जिंदगी में हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कोई अब नहीं फरमाया। और मैं कहता हूं कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीवी का इतना एहतराम किया, ये एहतराम है इज्जत है कि उसकी जिंदगी में कोई अव नहीं फरमाया जिस बीवी के साथ चचा ने अव किया था। जनाब अबू तालिब ने जिस तरीके हयात के साथ तीरा ने अव सोहा था, वो बीवी ऐसी गुरा थी
कि जितने भी मकासिद दिवाजी पैगंबर की नजर में हो सकते थे वो सब उससे पूरे हो रहे थे। जिंदगी के किसी बोझे में कोई खला नहीं महसूस होता था। लेकिन रसूल के इल्म गैब में उलमा इस्लाम में इख्तिलाफ हुए, अल्लाह के बानू के इल्म गैब में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह को जिस वक्त मेरे भतीजे से अब दूर उसी रोज जानता था कि इसकी उम्र कितनी होगी, कितने अरसे तक ये जिंदा रहेगी, लिहाजा उसकी जलालत कदर तकाजा है या समझ के लिहाज से उतने अरसे तक के लिए इतने रसूल को पाबंद रखा कि इनकी जिंदगी में कोई दूसरी शादी न करना। लेकिन वो तो जानता था कि ये रहेंगी नहीं। अगर सफा जनाले खदीजा रहती तो फिर उज्जत हम पर तमाम न होती। हम ये कह सकते थे कि सरकार वाला आपको तो एक बीवी मिली इत्तेफाक से वो मुआफत मिजाज थी। आपको क्या मालूम कि हमारे कैसे कैसे साबिते होते हैं। लिहाजा अल्लाह की जानिब से ये हुज्जत पूरी हो गई। जलालत कदरे खदीजा का सबूत भी हो गया और खदीजा के बाद ये मकसद भी हुज्जत का पूरा कर दिया कि खलत खुदा के बाद हुज्जत न हो। तुम कहते आपको नहीं मालूम थे कैसे कैसे सारे तक होते हैं। देखो तो सही जो हर उम्र की हर जिदाद की हर कभी अगर कुछ बातें बयान हो जाती कि ये रहे इसमें
जवहर सरोहन गिरी वो क्या गुजरात पैदा न होती जो इस वो की लग में है कि मैं वो जानता हूँ ये तुम नहीं जानते। अब जितने कमाला के बचड़ी इन अपराध के हैं वो सब एक माँ लाता जमीन के लगते है माँ है मुझमरा है जिसका सब दिमाग हम वो लग पे करते हैं कि मैं वो जानता हूँ जो ये वो और जो ने इनके तमाम कमालात की दुनिया मुजमर है। तो अब इसमें क्या क्या जवहर है इंसान वो एक ही इनका अंदाजा तो उपलब्ध करा दिया गया उस पहले इम्तिहान में, लेकिन अब उसके बाद कितने अवसार से हम इजा हैं इसलिए ये मलक वाली इसमत चलती और वो औसाफ हमीदा और अगर औसाफ हमीदा न होते तो कुरान मदा क्यों करता। कुरान का मदा करना दलील है कि वो बुलंद मंजिले किरदार है उससे मलक महरूम है और ये इंसान है कि जो उस कभी के काबिल हो कि अल्लाह मजा करे तो उन्हें वो साफ हमीदा कमाल के नुक्ते पर नजर आते हैं जो खालिक तारीफ करता है। और मैं कहता हूं कि जब ये तारीफ करते हैं खालिक किसी वक्त की तो मन अपनी जगह सोचता है कि काश में इंसान होता जुड़े में और अब एक मौका यहां दिला दूं क्योंकि मैंने ये लग कर दी कि मलक आंसू करता है कि काश में इंसान होता। मैं कहता हूं कि काश का जरूर दो मौकों पर हो गया, एक मौका तो राहतन याद दिलाऊंगा और एक मौका सिर्फ एक लफ्ज से याद दिलाऊंगा जेंगे वहद में वो मौका जिसके तफसीलात बयान करना मेरे उसूल बयान के खिलाफ है। तो जनाब शाह अब्दुल अब्दुलवी जो बल उनका लकब है मदारिक नबुव्वा उनकी फारसी किताब है उसमें उन्होंने उस मौके की मुवक्का तशरीह की है। जरा मैं उस सबको मुख्तसर तौर से एक जुमले में अदा करके कि जब सफ़े मैदान सादा था और सिर्फ एक तलवार चमकती हुई नजर आती थी और एक जवान मर्द था जो मैदान में नजर आता था जिसकी वजह से कि मदद को कलमाए तौहीद पढ़ना हो उस जवान का कलमाए तौहीद और उस तलवार का कलमाए तौहीद सिपाही के तौर पर और अब जंगे वहद में नहीं आए कोई नहीं आया। मगर अब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आते वो चार दिनों पहले भी लिख रहे कि अब जब उन्होंने आवाज बुलंद की कि रसूल शहीद हो गए पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोटिला की आवाज कोटिला की आवाज बुलंद की कि कत्ल हो गए। और उस मौके पर जो आदमी जरा नतीजे इंतजार के नतीजे के इंतजार में इधर उधर थे वो भी इधर उधर हो
है कि मिजाज के बदलने से खासियत बदलती है। एक सजा थी कुतिला की कि रसूल कतिल हो गए। लोग कहते हैं कि शैतान ने सजा बदल की थी। हमें कहता हूं जो ऐसी सजा बदल करे वो कहता नहीं है। शैतान हो कोई हो उस सजा के असर से एक सजा है मगर बहुत सौ पर उसका असर यह हुआ कि जब रसूल नहीं रहे तो ठहर के क्या करें और वही सजा अली के कान पर मिल रही। इन पर असर यह हुआ कि जब रसूल नहीं रहे तो जी के क्या करें। किसी वन नहीं हुई बगैर सबसे बयान हुआ करता था ये जरूरत नहीं थी। अब जरूरत हो जाती है इस सबसे की जरूरत महसूस होने लगती है मेरे कागज पे इमामत लगती है मगर निजाम जिंदगी सब इनमें दागरी पर मबनी है वरना तारीख का कोई बात या समझ में नहीं आएगा। क्या वो आवाज गई इन्होंने कहा जो अगर जिंदा ले रहे तो अब जिंदा रह के क्या करें ऐसा भरपूर हमला किया कि फौज मुंतशिर हो गई पप्पा हो गई और इतनी दूर भगा दिया कि फुर्सत से ये सब काम हो सके जो भी कहता हूं। अब जब मैदान खाली हो गया उनसे अब मुझे की मार गए मैदान उनसे खाली हो गया तो अब ये तलाश में चले खुद बाद में बयान फरमाया है वरना मैं क्यों कर गया। खुद अच्छा फरमाया है कि मैं तलाश में गया। अरे भाई अगर अगर कपिल हुए हैं तो कुछ तो हैं पैगंबर होंगे कुछ तो को सबको ले जाना पर उठा लिया हो। मैं कहता हूं मुझे आदत यह था कि न कुश्तों में नजर आए न जख्मियों में नजर आए तो अली को यही ख्याल क्यों पैदा हुआ क्या खालिक ने आसमान पर उठा लिया कोई और तसव्वुर क्यों न हुआ जबकि नमूना भी उसका मौजूद था तो वो तो करीम तसव्वुर था कोई और तसव्वुर करने वाला यही क्यों तसव्वुर हुआ। मैं कहता हूं ये ईमान था अली का रसूल की सजात पर बढ़वा दीजिए मेरे अलावा मेरे नावा सफला बात समझने में तो चाहिए एक दफा और जरा देख लू शायद जस्तजू मुकम्मल न हुई हो। तो अब जो तलाश किया तो गौरे ने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में नजर आए इस तरह के कोट की कमियां टूट कर पेशानी में पैवत हो गई है खून की धार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आ रही है। दंदाने मुबारक मजरूह हो गए ये तो बात को देखा मगर इस वक्त तो यही नजर आया कि तमाम चादर खून की है जो रसूल के चेहरे पर है।
अब सहारा लेकर रसूल को बाहर लाके खड़ा किया। और ये कहता हूं कि अगर मुशरिकीन की फौज करीब होती तो ये सब काम अंजाम पा ही नहीं सकते। क्या मुत्तफिका तारे गवाह है, अब वहां बेसरत आमानी है, बर्तन कहाँ है। तो सिपर को उलट के जर्फ बनाया, दाल के अंदर पानी लाए और पानी से चेहरे मुबारक को रसूल के खून से साफ किया। और पैगंबर ने आंख खोली, हाँ माशाल्लाह अरबाब नजर है। बड़ी दूर की बात याद दिलाना चाहता हूं, एक इन्होंने आंख खोलकर उनका चेहरा देखा था, उन्होंने आज आंख खोलकर इनका। फिर और अब ये कैफियतें हैं लफ्जों की जिसको सुनने वाला ही महसूस कर सकता। और जब तक पस मंजर सामने न हो, लफ्जों के मानी नहीं समझ में आते। क्या पैगंबर के नजर सबसे पहले जिस चेहरे पर पड़ी वो ये। तब मैं क्या करूं, तारीख का बयान जो है अब उसको समझना मेरा काम है। कि पैगंबर फरमाते हैं तुम भी नहीं चले गए, आप महसूस तो फरमाइए इसके मानी क्या। यानी ये जाने वालों के अमल के जज्बात हैं जो इस शक्ल में नमूदार हूं, उसको मैं इसी लफ्ज से ताबीर कर सकता हूं कि जमीयत की के किरदार पर गुस्सा है जो उस फर्ज पर उतर रहा है, इस उनवान से जो सामने नजर आई। बस अब ये मिजाजदान रिसालत अली ही हो सकते थे। एक लम्हे में एक जुमले में पैगंबर के कैफियत मिजाज को बदला। तो उन्होंने पूछा था कि अली तुम भी नहीं चले गए, और इन्होंने जवाब में कहा कि आप फोड़ बैठे ईमान, क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता। मुझे तो इस वाक़े के लिए इसी मजाज से मदद लेना पड़ती है।
कि बस इस वक्त मुजस्म शक्ल में ये मंजर है कि एक परवाना है जैसे मेरे तालब के गिर तवाफ कर रहा है। हर तरफ से उनके हमलों को दफा कर रहा है और अब अब्दुल हौदी लिखते कि इस वक्त जनाब जिब्रील अमीन भी आ चुके थे और मैं कहता हूँ वाह सुभान अल्लाह अब भी अब वारा न्यारा जब हो गया तब तकलीफ लाए मगर बहरहाल ये भी हिकमत रब्बानी थी। जब हुक्म हुआ था तब आए थे जब तक हुक्म नहीं हुआ तब तक नहीं आए अब आ गए और अब अली की जानिसारी की तारीफ कर रहे हैं यानी गोया पैगंबर का दिल बहला रहे हैं। तो ये लगते हैं जो सफ़ेद तारीफ बनाई है मदारिस नबूवत आपकी दवाल में हर एक देख सकता है। एक जनाब जिब्राइल फरमा रहे हैं कि इन आज ही इल्म वाक़िअ या रसूलल्लाह हमदर्दी तो इसका नाम है गमखारी तो इसका नाम है ये क्या है समझाना है बहलाना है कि अरे दूसरों का लिहाज ही क्यों करते हैं बजे एक है उसी को देखिए तो उनसे तो ये कह दिया था कि तुम भी नहीं चले गए और अब जनाब जिब्राइल जो तारीफ करने लगे तो जैसे बाप के सामने बेटे की तारीफ हो तो बाप इस तरह की का जुमला कहेगा वैसे ही अब जिब्राइल जो तारीफ कर रहे तो पैगंबर फरमाते हैं कैफ होता वह मिलनी आना दिनों अरे उसमें ताज्जुब क्या है वो मुझसे है और मैं उससे हूं और वो पिताकारी की मंजिल तो मैंने अर्ज किया कि
औसाफ हैं बहुत से जिनकी खालिक ने मदद की, ये फिरिश्तों में वो औसाफ हो ही नहीं सकते। मसलन एक तिब्बती ईसा खालिक ने मदद किया ये उसे ऐलान होते हैं भला होकर लगे मुखा ईसार करते हैं अपने नस्ल पर दूसरे को मुकदम करते हैं, अगर के वो खुद जरूरतमंद हैं तो अगर वो मखलूक है जो जरूरतमंद है ही नहीं तो ये ईसार का जवाब उसमें नमूदार कहाँ हो सकता। अतीमत तो किरदार की यही है कि खुद रोजे से हैं और खुद ही नहीं छोटे बच्चे भी, मगर मिस्कीन की आवाज आ जाती है तो सामने की सब गिजा उस मिस्कीन पर चली जाती है। अब दूसरे दिन रोजे पर रोजा है, गोया रोजे के जो जो तकाजे हैं वो सब आज और उरूज पर हैं, भूख उसी तनासुब से ज्यादा है, प्यास उसी तनासुब से ज्यादा है, मगर आज यतीम आता है तो फिर सामने की तरफ गिजा उस यतीम को चली जाती है। और अब तीसरा रोजा उसी तनासुब से प्यास और भूख और उसके बाद असीर की आवाज आती है। फिर जवाब जिस मजलिस का 14 को ऐलान हुआ है उस मजलिस में अल्लाह को बयान कर चुका हूँ शायद पहले गुजर से तो उनसे तफसील से नहीं अर्ज करना है, लेकिन ये ईसार की सिफत और फिरिश्तों में कहाँ आ सकती है, इनकी शान में सूरे अल्लाह आ सकता है, जिब्रील की जान में क्यों कर जाएगा, मिकाइल की जान में क्यों कर जाएगा, फिरिश्तों की जान में क्यों कर जाएगा। ये तो उसी वक्त है जब भूख भी लगे प्यास भी लगे जरूरतें सब हो रही हो और फिर ये किरदार सामने आए तब खालिक मदह करता है। बस और सिफतें अब बहुत हैं लेकिन जितना बयान होना चाहिए था वो हो गया है, लिहाजा बस इसी मंजिल पर याद दिला दूं आपको कि ये हलता के भी 3 दिन है और करबला की प्यास के भी 3 दिन है। इन 3 दिन में गिजा बेशक दे दी गई मिस्कीनों यतीमों असीर को, मगर पानी से तो इफ्तार हुआ, मगर करबला के मैदान के 3 दिन ये 3 दिन घर के अंदर हैं, वो 3 दिन हर्ष के बियाबान में हैं, वहां की गर्म हवा के झोंकों के साथ हैं, जो आतश में आतशे आतश में बाजनी का काम देती, तो इसलिए हैं ये भी 3 दिन वो भी 3 दिन ये 3 दिन बाबे फजाइल में, वो 3 दिन बाबे मसाइब में है और इसलिए वो 3 दिन ज्यादा याद दिलाने हैं कि वो 3 दिन आज ही से शुरू हुए हैं, यानी आज 7वीं मुहर्रम है ना, 7वीं मुहर्रम को वो पता आ गया कि अब एक कतरा पानी का कयाम हुसैनी में पहुंचने न पाए,
लिहाजा पहले बैठ गए फुरात पर। फौज इसी मकसद से बिठा दी गई कि अब पानी जाने न पाए। तो अरबाद आजाद अब वो ये तो हम कहते हैं तीन दिन, मगर सातवीं से हिसाब कीजिए तो तीन दिन तो सूर्य आठ तक पूरे हो जाते हैं। इसके मानिए कि आशूर के तीन दिन मजीद हैं, आशूर का दिन उन तीन दिन पर काबिल है। और फिर अभी किसी और दिन अर्ज करूंगा कि हर एक की प्यास उस वक्त तक रही जब तक वो मंजिले के आदत तक नहीं पहुंचा। तो जो कल का बयान था उसको याद कर लीजिए कि अर्थात की प्यास पहले बुझ गई, अजीजों की प्यास वो अरे जब तक मंजिले के हादत तक नहीं पहुंचा, और मोहम्मद की प्यास पहले बुझ गई मगर आदिम जो कम से हैं कल कह चुका कि यूं तो कम से सबको बहुत से उन मोहम्मद को जनाबे उन मोहम्मद को कहा जाता है, बच्चा नजम किया एक बार मगर क्या करूं तारीफ के रूप से जो है वो हद बुजुर्ग तक पहुंचा हुआ नौजवान या जवान, लेकिन बस बच्चा जो है वो कौन वो काफी वो तो गर्विनाय वाकयात आज की तारीख याद दिलाना था कि आज पानी बंद हुआ और ये बिना बस तरतीब मुताइब आज आज शहीद का जिक्र होता है वो यतीम हसन हजरत कादिमी है। पांच तारीख जनाबे अली असगर का बयान और छह तारीख हजरत अली अकबर का और ये आज की तारीख खास है जनाबे कासिम के साथ। तो जनाबे कासिम के लिए ये तराहत है कि लम यबलुगिल उलूम ये हद बुलूग तक नहीं पहुंचे थे। बुलूग शरीफ 15 बरस में होता तो इससे ये मालूम है कि 15 बरस से कम, मगर अब कितना कम तो रिवायत से तो यकीनी है ने रिवायत बचवा तो केमा में हजरत इलाम के शहादत से वाक करबला तक 10 बरस से कम तो है ना, 10 बरस का फासला। तो इसलिए कोई करबला का कहीं से ज्यादा औलाद इमाम हसन इस्लाम में से जो हो वो 10 बरस से कम तो नहीं। तो ये एक हद मुतयन भी यकीन 10 बरस से ज्यादा और 15 बरस से कम। और अब एक बात और के एक और इनका भाई वो इनसे कम उम्र का मासूम होता है वो भी करबला के मुजाहिदीन में मंजिले के आदत तक पहुंचने वालों में है और वो अब्दुल्लाह इब्न हसन उस वक्त उनकी शहादत हुई है जब मौला अब जमीन करबला पर थे, यानी जमीन करबला पर तो दूसरी मुहर्रम से थे मतलब ये कि पुरते बरस पर नहीं थे। तो इस वक्त शहादत जो भी होते 35 से नियत करना
वो जनाब अब्दुल्लाह इब्न हसन वो इनसे कम उम्र के हैं, सूरत वाकया से ही जाहिर होता है। तो अब ये महसूस होता है कि जनाब कासिम तकरीबन 13 बरस के उनकी उम्र है। ये 13 बरस की उम्र जनाब कासिम की, ये वो है कि वो उम्र है जो हजरत अली इब्न अबी तालिब की दावत अशीरा में थी, वो भी बेसत के 3 बरस के बाद, और ये तो 3 बरस के बाद के माने हैं, और अली बेसत में थे 10 बरस के, तो बयात अशीरा में 13 बरस के, और इस वक्त जनाब कासिम 13 बरस के। मगर शहजादे में आसारे कमतनी इतने थे कि जब मदीने से चले हैं तो अकाबिर उलमा ने हमारे बयान किया है कि जनाब कासिम को कोई किसी और घोड़े पर सवार नहीं किया गया था, बल्कि पर्देदार महमिलों में बीवियों के साथ बिठा दिए गए थे। मैं कहता हूं ये हसरत तो जैसे करबला में पूरी हुई, ये शायद पहली वो सवारी थी जो इनको मंजिल के हाथ तक ले गई, वरना इनको अलग कोई घोड़ा सवारी के लिए नहीं दिया गया था। और हाँ, एक और हकीकत है, जनाब बैरून साहब कबला हमारे बुजुर्गों में थे, उन्होंने इस बात पर तबसरा किया कि मैदान में जो गया वो जिरा पहन के जाता था, मगर जनाब कासिम जो मैं एक कुर्ता पहने हुए थे। तो वो जलील मर्तबा मुज्तहिद थे, ज़ाकिरी भी फरमाते थे, तो उन्होंने मिंबर पर फरमाया कि मैं अपने मौला की खिदमत में अर्ज करूंगा कि भतीजे को भेजा था तो जिरा पहना दिया, तो इमाम जवाब में फरमाएंगे कि अरे अरब में इस उम्र के बच्चे जंग कब करते हैं, जो इस कदो कामत की जिरा बनती हो, तो मैं कासिम के लिए जिरा कहां से लाऊं। तो ये कम उम्र थे, और शायद इसी कम उम्री की वजह से इनको परेशानी थी, क्योंकि खानदान रिसालत का बच्चा था, शरीयत इस्लाम के कानून से भी वाकिफ, रसूल के अमल से भी वाकिफ, कि जिहाद में बच्चे अलग रखे गए, तलवार वाले जिहाद में कभी बच्चे नहीं लाए गए हैं, तो इनको जैसे डर था अपनी कमतनी से कि कहीं बरबिनाए कमतनी मैं सआदत से महरूम न रह जाऊं। मगर खानदान रसूल का पर बच्चा फसाहत और बलावत खिलाफ महल कलाम खिलाफ बलावत होता है, तो इस बात को साफ करने का मौका नहीं मिलता था। चले आशूर जब इमाम ने वो तारीखी खुतबा कहा कि जिसको जाना हो मेरा साथ छोड़कर चले जा, और अब अबुल फजल अब्बास ने खड़े होकर अजीजों की तरफ से ये कहा कि हम छोड़कर जाए, वो जिंदगी हमें मौत से बदतर है जो आपका साथ छोड़कर हो, तो अब जिंदगी और मौत का सवाल पेश हो गया था। अब्बास ने तमाम अजीजों की तरफ से तर्जुमानी कर दी कि हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब यह हुआ कि सब शहीद होंगे। तो अब अली अकबर ने तो खड़े होकर नहीं सवाल किया, अब्बास ने तो खड़े होकर नहीं सवाल किया फिर, और मोहम्मद ने तो सवाल नहीं किया, ये कासिम ही क्यों खड़े हुए। मालूम होता है कि मुद्दत से जो खलीज थी दिल में
और वो परेशान किए हुए थी। माशाल्लाह ये जुमला आपके लिए काफी है कि कोई भला मरने से क्या घबराता होगा जो ये जीने के तसव्वुर से घबरा रहे थे। मैं कहीं कंपनी की बिना पर मैं जिंदा न रह जाऊं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए अब कोई और नहीं खड़ा हुआ, कासिम खड़े हो गए। और दरबार साहब क्या सोचा था, हमारा नाम भी महजरे शोहदा नहीं है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, माशाल्लाह देख रहा हूँ क्या बेचार है। मगर चाहता हूँ कि जिस मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ वहां तक पहुँच लूँ। आहिस्ता कर रहा हूँ, जिस अंदाज से मसायब बयान उस्तानियत कर रहा हूँ कि हम यही खड़े हुए, हमारा नाम भी मजरे से अदा नहीं है, हमें भी ये सआदत नसीब होगी। इमाम बेजवाब जवाब नहीं देना चाहते, दुनिया को ये तसव्वुर न हो कि बच्चे ने ना समझी से कोई बात कही है। तो पहले एक आजमाइशी सवाल किए लेते हैं, फरमाते हैं ये बताओ कि मौत तुम्हारे नजदीक कैसी चीज है, कैफल मौत अंदर, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी चीज है। अब बच्चे को जवाब देना है ईमान के सवाल का। आप मेरे साथ महसूस कीजिए कि जवाब से कमसिनी तो सपकती है। ये जवाब अब्बास पर नहीं खटता, अली अकबर पर नहीं खटता, मगर वो हकीकत बयान कर दी है जो बड़े बड़े फलसफियों ने भी बयान की, जिसने भी मौत को कहा है तल्ख कहा है, तल्खी है मौत। ये मुहावरे का युद्ध है, ये पहली फर्क है पास के इमाम फरमाते बताओ मौत कैसी चीज है। बिल्कुल बचपने की एक तस्वीर, बाबा ये तस्वीर नहीं देगा। कासिम कहते यार में आयला मिलेगा तल, अरे कहता उसका शहद से ज्यादा नीची चीज है। मालूम हो गया कि शहजादे को शहद बहुत पसंद था। कहते हैं वैसे शहद से ज्यादा शीरी चीज है। अब उसूल बलागत यह है कि जो चाहे बंधे तरक्त दो उसकी कविता नजीर पेश कर दी जाए तो इत्मीनान हो जाता है। चूंकि वर्ष तरद कंपनी थी, इमाम जानते थे कि ये क्यों पूछ रहा, जानता है कि बच्चे नहीं आते मैदान में लिहाज में, इसीलिए पूछ रहा है। तो अब जो इत्मीनान मिला रहे हैं तो अब फरमाते हैं कि कासिम घबराते क्यों हो, इसीलिए घबराते हो ना कि तुम बच्चा हो। तो कल का जो दिन वो आए कि तुम्हारा छोटा भाई है लिए सुधर, वो भी मंजिल कुर्बानी में आएगा। बस अहले अज़ा कासिम अपने बारे में तो मुतमइन हो गए, मगर अली असगर का नाम जो ले दिया एक और पहलू की तरफ निगाह चली गई। घबरा के कहने लगे जो अस्थिया चाहिए खेमों के अंदर आ जाएंगे। अब इमाम ने ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहा, इत्मीनान दिलाया कि नहीं मेरे जिंदगी में ये तो मुमकिन, मगर मैं खुद अपने हाथों को लाऊंगा। मुख्तसर तौर से शहादत देना ये लिए सर का हाल बयान किया। बस अहले अज़ा रात को तो मुतमइन हो चुके थे, इसी वजह से रोज़े आशूर अब जल्दी हो गई थी। इमाम कह चुके हैं कि तुम्हारा नाम भी है, तो अब जब उन्होंने मोहम्मद जाते हैं तो कहते हैं चाचा हमें
हमें इजाजत दीजिए। तो अब इमाम फरमाते हैं तुम्हें मैं क्यों कर इजाजत दूं? क्या नहीं, ये नहीं है कि अभी नहीं बल्कि कति इनकार, तुम्हें क्यों कर इजाजत दूं? चुप चुप हो गए परदंडा ने अकेल जा रहे, हमें इजाजत नहीं, तुम्हें क्यों कर इजाजत दूं? इतना इतरार किया और इतना इनकार के बच्चा जैसे थक के एक अमूदे खेमा से लट के बैठ गया इस सोच में कि कह तो दिया था कि तुम भी शहीद हो गए मगर इजाजत तो देते ही नहीं, और बिल्कुल माजूरी का इजहार कि मैं तुम्हें तो कर इजाजत दूं। और अब जो अर्ज कर रहा था कंपनी की बिना पर इनका तरद्दुद था, तो ईमान का ये अंदाज इनकार भी इसी बिना पर है, क्योंकि वो तो इल्म इमामत था जिसकी बिना पर इत्मीनान मिलाया था, और ये आईने शरीयत है जिसकी बिना पर इनकार कर रहे हैं, क्योंकि शरीयत इस्लाम में बच्चा अपने नफ्स का मालिक नहीं है, बच्चे के नफ्स का मालिक या बाप है या दादा, यहां जाहिरी तौर पर न बाप है न दादा, बेशक इमाम वली है उसका जिसका कोई वली न हो, मगर इमाम ने इख्तियारात इमामत को तो सब आसूर का खुतबा उठा बैत उठाकर हटा लिया था, तो किसी के बारे में तो इख्तियार इमामत से काम नहीं ले रहे थे, ये अपने बच्चे ही के बारे में इख्तियार इमामत से काम लेते। तो अब हुसैन चौकर इजाजत है, आईने शरीयत है जो रोक रहा है, जो कति इनका तुम्हें चौकर इजाजत दूं। अब बच्चा सोच में बैठ गया कि ये क्या मामला है, करूं क्या, कि एक दफा याद आया कह रहे मेरी मां ने बयान किया है कि दुनिया से उठते वक्त तुम्हारे बाप ने बाजू पर एक तावीज बांधा था और ये कहा था कि जब सख्त वक्त पड़े तो ये इसे खोल कर अमल करे, खोल कर देखे और अमल करे। तो अपने दिल से पूछा क्यों कासिम, क्या इससे बहुत से सख्त वक्त कोई हो सकता है? जमीर ने जवाब दिया कि इससे बहुत से सख्त वक्त कोई नहीं हो सकता, बस अब तावीज खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा देखा। इसी वजह से अल्लामा सैयद हाशिम बहरैनी ने कि अल्लामा मजलिसी के बाद उलमा लिखते हैं कि इनसे बहके वसीउल नजर मुहद्दिस मुस्तनद कोई पैदा नहीं हुआ, उन्होंने मदीनतुल मवाजिद में इसको मौजिजात इमाम हसन अलैहि सलाम में लिखा है कि तावीज खोल के पढ़ा तो लिखा था कि बेटा हसन तुम इस तावीज को उस वक्त खोलोगे जब तुम्हारा चचा नलगैराजा में गिरफ्तार होगा, और एक आसिम अगर मैं होता तो मैं अपने भाई की हिफ्जत करता, मगर मैं तो करबला में होऊंगा नहीं, तुम मेरी तरफ से मेरे भाई पर कुर्बान होना। बस इसे कहना था कि ईमान की खिदमत में आए और अब कहना कुछ न था। अब वो नविश्ता ईमान के सामने पेश कर दिया, बस अहले दिल अहले अदा मैं कहता हूं अब मौला के दिल की खबर लीजिए कि अभी तक भेजने का हक न था और अब रोकने का हक न रहा। ये था कि जनाब शेख
भी लिखते हैं कि भतीजे को गले लगाकर इतना रोए, इतना रोए कि तकरीबन रश आ गया। और बस अल्लाह में ऐसे हाथी में बहरैनी की इसी रिवायत का जुज है कि जब जरा गिरिए में कमी हुई तो इरशाद फरमाया कि फिर ये भाई की वसीयत तो तुम्हें है, तुम्हें उस पर अमल करना है। अब जो भाई की वसीयत हमें है उस पर हमें भी तो अमल करना है। आज यही सभी आज बरामद होगी कि हाथ पकड़ के खेमे के अंदर जाते हैं, फरमाते हैं ज़ैनब वो संदूक लाओ जिसमें तब रुकात हसन है। और हसन की कबा बच्चे को पहनाते हैं, गोया दूल्हा बना रहे हैं। और आप तारीख में ये नाम नहीं है इस रिवाज में कि वो बेटी जो नामजद थी उसका बहा, ये गलत तसव्वुर है कि कहते एक रात की बिराई। अरे रात कहाँ आई, वो तो बस इधर आम हुआ और उधर मैदान में गए। माशाल्लाह कसर चंद जुमले, अब मेरी कुव्वत और सेहत की इजाजत नहीं दे रही है कि बस उधर अब हुआ और उधर मैदान में गए। मौला ने क्या किया, अरे दूल्हा बनाने का नया अंदाज कि खलक क्या देते, अरे जो कुर्ता था उसका भी गरेबान भाव दिया। अमाने के गोटे तैतुल हनक की तरह सीने पर डाल दिए। बस अहले अदा, बस अब खत्म करना है कि अरबाब अदा हर एक की रुखसती शौहर के घर की तरफ होती है, मगर ये दुल्हन कैसी थी कि इसकी रुखसती कभी कूफे की तरफ हुई, कभी शाम की तरफ हुई, कभी